विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए। अपराधी जो हत्यारा है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में लगातार विपक्ष के द्वारा आपराधिक घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाता है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बीते दिनों पहले मधुबनी के बेनीपट्टी में एक स्वतंत्र पत्रकार अविनाश झा की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद आज बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा ने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर उन्होंने बिहार के DGP SK सिंघल से भी मुलाकात की है। और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। हत्या कर दी गई, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था, और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश पत्रकार थे, उसकी हत्या में संलिप्त है। ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था और जायज भी मांग था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए, हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है, उसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम DGP से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके, जो सही है, जो यदि जो हत्यारा है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा का कहना है कि अपराध के मामले में तो विपक्ष को बिहार में किसी भी प्रकार का बोलने का हक नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि जब से बिहार में NDA की सरकार आई है, तब से अपराधी जो हैं वो अगर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वो बचते नहीं हैं। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।